हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नई दवा के बारे में, एक नई औषधि के बारे में दोस्तों। तो लास्ट तक हमारी वीडियो तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो है हमारा, उसका टाइटल है कि ऐसी फीमेल्स, ऐसी लेडीज जिनको ड्यूरिंग पीरियड्स में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन होता है, दर्द होता है, और उनका जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, फिर एक्सेसिव ओवरफ्लो होता है। मान लो 3 दिन चलना है तो 4 दिन चल गया, 5 दिन चल गया, 6 दिन चल गया उनका पीरियड्स, या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन होता है लोअर एब्डोमिनल में, या फिर थोड़ा सा क्रैम्स, मरोड़ आती है पेट में, जो कि एक असहनीय होती है, एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है फीमेल्स में। तो उसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन सी दवाई है और क्या सिम्टम होते हैं, और जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका मार्केट प्राइस क्या है, कौन सी कंपनी लॉन्च करती है, एंड उसके साइड इफेक्ट क्या है। तो एक चीज बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। तो रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक बने रहिए, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ, बात करें कि जो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स में, लेडीज में, तो पीरियड्स के दौरान पेन क्यों होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, मतलब जो मेन पर रीजन है, एक मुख्य कारण वो क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पेन होने का। भाई ठीक है, अगर थोड़े बहुत पेन हो रहा है तो ठीक है, नेचुरल है, वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा पेन हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसी लेडीज को एक्सट्रीमली पेन हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में पेन हो रहा है कि उससे सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका कॉज क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपको लेके चलेंगे उसके कॉज की तरफ। तो सबसे जो मेन कॉज है वो है आपका, जो आपका यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होने लगते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है जैसे ये साइज है किसी भी चीज का, ये साइज है, वो ऐसे हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो जाए, सिकुड़ जाए, मतलब जो एक्चुअल साइज है उस साइज से कम हो जाए। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो उसका साइज कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उस दौरान क्रैम्स होना चालू होता है, और लोअर एब्डोमिनल में मतलब पेट के नीचे हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। सबसे मुख्य रीजन यही है, जिसकी वजह से मतलब अगर यूट्रस में जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जितने ज्यादा सिकुड़न होगी, उसमें नैरोइंग होगा, उतना ज्यादा ब्लीडिंग होगी और उतना ज्यादा आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आगे समझ में। इसके पीछे के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, आपका हो सकता है जेनेटिक कोई चेंजमेंट हो, आपका डाइट सही ना हो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या फिर कोई आप कुछ आपने कॉन्ट्रासेप्टिव ली हो, या फिर आपका प्रेगनेंसी हुआ हो ना, तो ऐसे बहुत सारे मुख्य कारण हो सकते हैं जो कि आपके ड्यूरिंग पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन को इंड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दर्द को इंड्यूस करते हैं। तो उसी को, दर्द को मिटाने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो लास्ट तक आप बने रहिए हमारी वीडियो तक, आई होप आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको अपने दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आज हम बात करें, हमने समझ लिया। और दूसरी चीज एक और है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मतलब सिकुड़न हो रहा है और एक्चुअल साइज से रिड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब थोड़ा सा हम बात करें इसके अलावा, एक आपका एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ा दें, अगर यूट्रस के अंदर हम प्रोस्टाग्लैंडिन पीजी जिसको बोलते हैं, स्पेशली पीजी ई, अगर उसको बढ़ा दें, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस और ज्यादा होने लगते हैं, मतलब ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे और पेन और जो क्रैम्प्स हैं, मरोड़ हैं, उसके भी चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आपने पूरी चीज समझ ली कि कॉज क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल है। अब हम बात करेंगे भाई इस दर्द को मिटाने के लिए कौन सी दवाइयां देते हैं। तो हम बता दें, इस दर्द को मिटाने के लिए दवा देते हैं जिसका नाम है आइबुप्रूफेन। हाँ, आइबुप्रूफेन, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, स्ट्रिप देख रहे हो, आइबुप्रूफेन नाम की एक दवाई होती है, ब्रांड नेम है, जिसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है अबट या फिर एबॉट। ठीक है, जो आपका आइबुप्रूफेन है वो साल्ट है, कौन सी कंपनी बना रही है इसको, बना रही है एबॉट या फिर एबट। क्लियर, अब थोड़ा सा हम बात करें इसकी डोज क्या है। जो हमारी आइबुप्रूफेन है उसकी डोज जो नियरली है वो है 400 mg, 400 mg, मतलब 400 mg, 400 mg आपको डोज दी जाती है आइबुप्रूफेन। किस नाम से आती है, ये आती है ब्रूफेन के नाम से, ब्रूफेन के नाम से आती है, एबॉट कंपनी बनाती है, और एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होती है और उस स्ट्रिप का प्राइस होता है ₹15। अगर हम थोड़ा सा देख लें इसको, एनालिसिस करके, लगभग ₹1 की एक टैबलेट पड़ेगी, मतलब बहुत सस्ती है भाई, एबॉट कंपनी बनाती है, ₹15 की एक, ₹15 का पूरा स्ट्रिप पड़ता है, एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होती है इसमें, और एक टैबलेट की जो डोज होती है 400 mg, मतलब 400 mg मिलीग्राम। क्लियर,
अब बात करें भाई कि इस दवा को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इस दवा के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये जो दवाई है हमारी वो है हमारी एनसेड्स, ठीक है। अगर हम थोड़ा मेडिसिन की बात करें तो इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब ऐसी दवाएं जिनमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस नहीं है, स्टेरॉयडल मॉइटी नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। एनसेड्स के कैटेगरी में आइबुप्रोफेन आती है, ठीक है, ब्रूफेन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और ये जो आपकी ब्रूफेन है, आइबुप्रोफेन है, वो एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक की तरह काम करती है। मतलब एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, ऐसी दवाएं जो दर्द को खत्म करती हैं, और एंटी पायरेटिक का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो आपके बुखार को खत्म करें। अब थोड़ा सा समझ ले, क्या पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के अलावा किसी में यूज करते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। जैसे आपका टीथ एक्सट्रक्शन में पेन होता है, मसल्स में पेन हो रहा है, माइग्रेन का पेन है, या फिर बॉडी में किसी दूसरे पार्ट में पेन हो रहा है, स्केल्टल में पेन है, तभी आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो का जो आज का पर्पज है वो आपका है कि हम जो आइबुप्रोफेन है, ब्रूफेन है, उसको हम कब यूटिलाइज करेंगे, उसको यूटिलाइज करना है हमें पीरियड्स के पेन में, जो कि बहुत ज्यादा कष्टदायक है, बहुत ज्यादा दर्ददायक है। अगर किसी लेडीज को ड्यूरिंग पीरियड्स में एक्सेसिव पेन होता है तो डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर वो मान लो स्टूडेंट है तो कॉलेज में जाना है और पूरा मन उसका पीरियड्स की तरफ रहता है। अगर वो मान लो हाउस वाइफ है तो घर पे काम कर रही है और उसे काम भी करना होता है, तो बहुत बड़ी मुसीबतों का चैलेंज सामने फेस करना पड़ता है उस लेडी को। अब बात करें, आपने समझ लिया आइबुप्रोफेन हमारी क्या है, एनसेड्स की कैटेगरी में आती है। अब थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें भाई, कैसे काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया था यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस को कौन बढ़ा रहा था, वहां पे बढ़ा रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम बोलते हैं पीजी, क्लियर, स्पेशली पीजीई। और जो आपका आइबुप्रोफेन होता है, ब्रूफेन होता है, वो पीजी का एंटागोनिस्ट है, मतलब पीजी के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। तो अल्टीमेटली आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आइबुप्रोफेन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है। भाई मैंने आपको बताया था अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ब्लीडिंग बढ़ेगी और पेट में दर्द और जो क्रैम्प्स बढ़ने लगेंगे। तो अल्टीमेटली आइबुप्रोफेन क्या कर रहा है, क्रैम्प्स को कम कर रहा है। और अल्टीमेटली जो आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, नेचुरल ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसको भी थोड़ा सा ये यूटिलाइज करता है। तो अगर आप प्रॉपर यूज करते हो आप आइबुप्रोफेन को, तो आपको दर्द से राहत मिलेगा, जो आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ओवरफ्लो हो रहा है, उससे भी आपको राहत मिलेगा। अब थोड़ा सा हम बात करें कि आइबुप्रोफेन या फिर ब्रूफेन को किस तरह लेना है हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी डोज 400 mg, मतलब 400 मिलीग्राम आपको मिलेगी। अब आपको लेना कैसे, जैसे आपका कोई पीरियड्स स्टार्ट होने वाला है तो पीरियड्स के दो दिन पहले आप स्टार्ट कर दीजिए सुबह शाम, मतलब एक टेबलेट आप सुबह ले लीजिए और एक टेबलेट ले लीजिए शाम, दो दिन पहले, और जब तक आपका पीरियड बंद ना हो जाए। मतलब आपका पीरियड जैसे मान लो 3 दिन चलता है, तो 2 दिन पहले के हो गए और 3 दिन ही हो गए, तो आपका 5 दिन का डोज हो गया। पहले आप ट्राई कर लीजिए, अगर 2 दिन आपका दिन में 2 बार लेने से आपके पीरियड्स में रिलीफ मिल रहा है, इन दी सेंस आपके फ्लो को कम कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, और आपका जो दर्द है वो कम हो रहा है, तो आप दिन में 1 बार लीजिए। अगर उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप 2 बार कर दीजिए, उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ड्यूरिंग पीरियड्स आप दिन में 3 बार भी ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको, पानी के साथ लेना है, खाली पेट आप प्रयास करिए इसको ना लीजिए। पूरी तरह से आपको जो पीरियड्स में होने वाले दर्द हैं उनसे रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपका पीरियड्स बहुत ज्यादा ओवरफ्लो है, बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा बात करें भाई, इस दवा से हमें नुकसान क्या हो सकते हैं, दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आपकी एनसेड्स के केस में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के केस में, वो है आपका पेप्टिक अल्सर। हाँ, स्टमक में पेप्टिक अल्सर्स के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो आपकी इंसेट्स होती है प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम कर रही है, कॉक्स को कम कर रही है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है एक तरह का एक कंपोजिशन होता है आपका मेम्ब्रेन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि आपका स्टमक में लगी होती है। अगर हम उस प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देंगे तो जो म्यूकस है वो डिग्रेडेशन डिप्लीशन होने लगता है, जिससे आपका HCl से इरोजन होने लगता है, वहां पे आपका अल्सर कॉज होने लगता है, अल्सर इंड्यूस होने लगता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं इसके साथ, लेकिन अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेना है तो ये भी दिक्कतें नहीं आती हैं। या फिर हम क्या करते हैं,
पेशेंट को कुछ एंटासिड्स देते थे, कुछ बेसिक मेडिसिन देते थे, जिससे हम इसके साइड इफेक्ट को, दुष्प्रभाव को थोड़ा सा मास्क कर सकें। इसके अलावा इसका जो मेजर साइड इफेक्ट और है, नोजिया वॉमिटिंग, मतलब उल्टी ही आ सकती है, थोड़ा सा जी मतलाना हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है आपकी भूख खत्म हो जाए। ऐसे कुछ मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट इसके देखे गए हैं आइबुप्रोफेन के। अब थोड़ा सा हम देख लें भाई किन लोगों को नहीं लेना है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको उस केस में आइबुप्रोफेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस केस में ले रहे हो तो जो आपका होने वाला बेबी है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। दूसरा आपका जो कॉज है, दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका है ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसी महिलाएं जो स्तनपान करा रही हैं उनको भी नहीं लेना है, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं बहुत ही कम रिलेवेंस मिलते हैं, बहुत ही कम रिपोर्ट ऐसी मिलती है कि उनको दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग में हो तब भी आपको यूज नहीं करना है, आप प्रेग्नेंट लेडी हो तब भी आपको उस केस में आइबुप्रोफेन का यूज नहीं करना है। देखो आइबुप्रोफेन जैसे मैंने बताया ये कंपोजिशन है, साल्ट है, जो मार्केट में प्रोडक्ट है ब्रूफेन है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपको मार्केट में साल्ट मिल जाएंगे प्रोडक्ट के नाम से मिल जाएंगे, लाइक जैसे 400 mg आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपका 15 टैबलेट होती है, सिप्ला कंपनी की है और 10 रुपए का मिलेगा ये। और इसके अलावा आपको मिल जाएगा नोबिकैम मिल जाएगा आपको 400 mg, सेम आपका डोज होगा उसका और डॉक्टर रेडी का, ठीक है, इसमें आपको मिलेगी 10 टैबलेट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, आपको सुपरवाइज करना है, थोड़ा सा देखना है, विजिलेंस रखना है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हो किसी फार्मासिस्ट से या फिर डॉक्टर से तो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और अच्छी क्वालिटी अच्छे ब्रांड की प्रेफर करना है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपका कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।